दोस्तों फाइनली सर्वाइवर सीरीज 2022 पेपर यू खत्म हो चुका है। एयर रेसलिंग फैंस के बीच इस पेपर यू को लेकर काफी मिक्स फीलिंग है। कईयों को वॉर गेम पसंद आ रहा है और कई रेसलिंग फैंस को ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज पसंद है जिसमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के मैचेस होते हैं। अब आज की वीडियो वॉर गेम पे से या ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज इस टॉपिक पे नहीं है क्योंकि हमें तो बस मतलब है रोमन रेंज से। अब सर्वाइवर सीरीज के बाद कौन रोमन रेस को फेस करने वाला है और रोमन रेस का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। अब गाइस के रेसलिंग फैंस को ऐसा लग रहा है कि रोमन रेस के नेक्स्ट अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि ब्रे वाइट होने वाले। अब यकीनन ट्राइबल चीफ रोमन रेस और ब्रे वाइट का मैच काफी धांसू होगा बट अभी इस मैच के होने के बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि WWE ब्रे वाइट के कैरेक्टर को पहले अच्छे से बिल्ड करना चाहती है और असल में 39 से पहले आई डोंट थिंक ब्रे वाइट और रोमन रेस सेम पिक्चर में आने वाले। सो ब्रे वाइट के अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो बचता है वो है ड्रू मैकइंटायर। अब हाँ, सबको पता है कि WWE रोस्टर में सिर्फ एक ही बंदा है जो रोमन रेस को अच्छी टक्कर दे सकता है और वो और कोई नहीं बल्कि ड्रू मैकइंटायर है। अब गाइस क्लैश एट द कैस्टल पेपरव्यू में WWE ऑलरेडी रोमन रेस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच करवा चुकी है एंड अगर आपने सर्वाइवर सीरीज का मेंस वॉर गेम मैच देखा होगा तो आपको पता लगे होंगे कि ड्रू मैकइंटायर रोमन रेस से ज्यादा सोलो सिकोवा में इंटरेस्टेड है एंड ये बात सही भी है क्योंकि क्लैश एट द कैस्टल पेपरव्यू में ड्रू मैकइंटायर सोलो सिकोवा की वजह से आ रहे थे तो कहीं ना कहीं ड्रू मैकइंटायर इस हार का बदला सोलो सिकोवा से जरूर लेंगे। सो ब्रे वाइट नहीं, ड्रू मैकइंटायर नहीं, अपना शैंकी नहीं, तो आखिर रोमन रेस का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है? आप इस बारे में डिस्कस करने से पहले बिग शॉट आउट टू वन एंड ओनली गॉड ऑफ थंडर। सॉरी भाई अगर नाम गलत प्रोनाउंस किया तो बट बिग शॉट आउट टू यू। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड चलिए जानते हैं आखिर कौन रोमन रेस को WWE के नेक्स्ट पेपर यू डे वन में फेस करने वाला है। अब गाइस रोमन रेस के नेक्स्ट अपोनेंट की हिंट WWE ने सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम मैच में ही दे दी है। अब अगर आपने इस मैच को देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि WWE रोमन रेस और शेमस की फाइट को ज्यादा हाईलाइट कर रही थी तो इसी से क्लियर इंडिकेशन है कि शेमस ही वो सुपरस्टार होंगे जो रोमन रेस को सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज करेंगे एंड इतने सालों बाद रोमन रेस और शेमस की फ्यूड देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी के साथ हम सबकी बहुत सारी यादें भी जुड़ी है। और अगर आप WWE को पहले से देखते हो तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो क्या अभी मेरी तरह रोमन रेस वर्सेस शेमस के मैच के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट करके जरूर बताना आप। एंड आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो जिसमें आपको मिलेगा स्पेशल रॉयल्टी बैचेस, एक्सेस टू मेंबर ओनली पोस्ट एंड मेरी वीडियोस में अपीयर होने का मौका, वो भी सिर्फ 29 रुपीज पर मंथ में। सो बस आज की वीडियो यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।